हेलो एवरीवन वेलकम टू रवि अदित्य क्लासेस फ्रेंड्स आज की वीडियो में आपके लिए आईसीसी अंडर 19 वुमेंस टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप 2023 जो कि ट्रेंडिंग टॉपिक है इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु हैज़ वन द फर्स्ट आई अंडर नाइनटीन वुमेंस टी वर्ल्ड कप टू टाइटल राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी इंडिया फ्रेंड्स इंडिया ने पहला आईसीसी अंडर 19 महिला टी ट्वेंटी विश्व कप दो का खिताब जीत लिया है ये आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं इंडिया वॉन दिस टाइटल बाई डिफीटिंग इंग्लैंड बाय सेवन विकेट्स इन द फाइनल मैच दिस इज द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री डैट द इंडियन वुमेंस क्रिकेट टीम हैज वन आई सी नाउ टूर्नामेंट नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री हैज़ होस्टेड द फर्स्ट आई सी सी अंडर T20 वुमेंस टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री फिर जो पहला आई सी सी अंडर नाइन्टीन महिला टी ट्वेंटी विश्व कप दो हज़ार तेईस है इसकी मेजबानी किस देश ने की है ये हमसे पूछा गया है राइट आंसर होगा ऑप्शन डी साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका कंट्री ने फ्रेंड्स स टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप 2023 को होस्ट किया है इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं फाइनल मैच ऑफ द आई सी सी अंडर प्लेड एट द्रिकेट स्टेडियम इन साउथ अफ्रीका फ्रेंड्स आपसे पूछा है बताओ कि सैनवेस क्रिकेट स्टेडियम किस कंट्री में है आपका आंसर होगा साउथ अफ्रीका में ना नेक्स्ट क्वेश्चन विच एडिशन ऑफ द आई सी सी अंडर नाइनटीन वुमेंस टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप इज हेल्ड इन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री आईसीसी अंडर 19 महिला टी ट्वेंटी विश्व कप दो में कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है यह हमसे पूछा गया है राइट आंसर होगा ऑप्शन डी फर्स्ट वुमेन्स अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप फिफ्टी ओवर वाला जो है फर्स्ट एडिशन ऑफ टी जो की 2023 में खेला गया है नाउ अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच टीम हैज़ बीन द रनर अप इन दी आई सी सी अंडर नाइनटीन वुमेंस टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री राइट आंसर इज ऑप्शन बी इंग्लैंड फिर जो इंग्लैंड टीम है ये आई सी सी अंडर नाइनटीन महिला टी ट्वेंटी विश्व कप दो हज़ार बाईस दो हज़ार तेईस में उप विजेता यानी कि रनरअ रही है यह आपको याद रखना है फ्रेंड्स मैं आपको सभी क्वेश्चन जो है फोटो के साथ समझा रहा हूँ ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन को समझने में आसानी रहे फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है वीडियो की क्वालिटी एंड कॉन्टेंट पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए फ्रेंड्स

नाउवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच प्लेयर हैज़ स्कोर द मोस्ट रन इन द आई सी सी अंडर नाइनटीन वुमेंस टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री राइट आंसर इज ऑप्शन है श्वेता शेरावत श्वे श्वेता शेरावत जो कि फ्रेंस इंडिया की है इनको आई सी सी अंडर नाइनटीन महिला टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री में इन्होंने मैक्सिमम रन बनाए हैं यानी कि सर्वाधिक रन बनाए हैं ये फोटो है श्वेता शेरावत की श्वेता शेरावत हैज स्कोर टू नाइन्टी सेवन रन इन दिस टूर्नामेंट ना ओवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच प्लेयर हैज़ टेकन द मोस्ट विकेट्स इन द आई सी सी अंडर नाइनटीन वुमेंस टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री राइट आंसर इज ऑप्शन डी मैगी कलार्क, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं फ्रेंड्स इन्होंने आई सी सी अंडर नाइन्टीन महिला टी ट्वेंटी विश्व कप दो हज़ार तेईस में सर्वाधिक विकेट लिए हैं यानी कि मैक्सिमम विकेट लिए हैं फ्रेंड्स ये फोटो है मैगी क्लार्क की मैगी क्लार्क हैज बिन हैज टेकन ट्वेल्व विकेट्स इन दिस टूर्नामेंट नेक्स्ट क्वेश्चन In which year the second edition of ICC Under 19s Women T20 World Cup will be held? Right answer is option C, 2025. Friends, ये दो years के duration पे खेला जाता है, तो 2023 के जो अगला वाला है ना, friends, ये खेला जाएगा 2025 में, ठीक है? ये आपको याद रखना है। Now the next question, Where will be, Where will the ICC Under 19s Women T20 World Cup 2020-25 be held? आईसीसी अंडर 19 महिला टी ट्वेंटी विश्व कप दो का आयोजन कहाँ किया जाएगा राइट आंसर इज ऑप्शन सी बोथ ऑफ दी अव मलेशिया एंड थाईलैंड मलेशिया एंड थाईलैंड में फ्रेंड्स आईसीसी अंडर 19 वुमेंस टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप 2025 जो है ये खेला जाएगा ये आपको याद रखना है और उसका नेक्स्ट एडिशन यानी थर्ड एडिशन विल बी हेल्ड इन बांग्लादेश एंड नेपाल इन टू Now our नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया हैज़ won द टाइटल ऑफ ICC Under-19 अंडर T20 World टी 2023 वर्ल्ड कप leadership of which player? अंडर द लीडरशिप ऑफ विच प्लेयर मतलब कैप्टन कौन थे सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए शेफ वर्मा फ्रेंड्स ये फोटो है शेफाली वर्मा की हरियाणा स्टेट से हैं ठीक है ये आपको याद रखना है और ये कप्तान कप्तान है जी, कप्तान थी जब अभी जो टू का जो वर्ल्ड कप जो जीता है इंडिया ने शिफाली वर्मा बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ हरियाणा एंड इज द यंगेस्ट क्रिकेटर टू रिप्रेजेंट इंडिया इन इंटरनेशनल टी ट्वेंटी क्रिकेट नाउ ऑवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच प्लेयर हैज़ लीड लेड द इंग्लैंड टीम इन द आई सी सी अंडर नाइन्टीन वुमेन्स टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री आई सी सी अंडर नाइनटीन महिला टी ट्वेंटी विश्व कप दो हज़ार तेईस में इंग्लैंड का नेतृत्व किस खिलाड़ी ने किया है राइट आंसर है ऑप्शन डी ग्रेस स्क्रीवियंस फ्रेंड्स ये फोटो है ग्रेस क्रीवियंस की फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारी जो ईयरली ई बुक है जनवरी से लेकर डिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की वो लॉन्च हो चुकी है इंग्लिश मीडियम में उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फ्रेंड्स हमारा जो वेबसाइट है डब्ल्यू 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 डॉट रवि बुक्स पी डी एफ डॉट कॉम रवि बुक्स PDF.com डॉट कॉम फ्रेंड्स यहाँ से आपको हमारी हर सब्जेक्ट की जो ई बुक्स हैं वो मिल जाती है इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों की फ्रेंड्स हमारी जो जी के की है और जो करंट अफेयर्स की ई e बुक है फ्रेंड्स ये ट्रेंडिंग चल रही है आज की डेट में हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूजफुल है ये नाउ नावर नेक्स्ट क्वेश्चन वैन एंड हाउ लॉन्ग हैज़ द आई अंडर नाइनटीन वुमेंस टी वर्ल्ड कप टू थाउजेंड ट्वेंटी राइट आंसर इज ऑप्शन ए फोर्टीन जनवरी टू ट्वेंटी नाइन जनवरी फ्रेंड फोटीन जनवरी ट्वेंटी नाइन जनवरी तक खेला गया है आई सी सी अंडर नाइनटीन वुमेंस टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी मैच हैव बिन प्लेड इन द आई सी सी अंडर नाइनटीन वुमेंस टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री राइट आंसर इज ऑप्शन डी 41 वन फ्रेंड्स आई सी सी अंडर नाइनटीन महिला टी ट्वेंटी विश्व कप दो हज़ार तेईस में कुल फोर्टी वन खेले गए हैं ये आपको याद रखना है नाउ ओवर नेक्स्ट क्वेश्चन तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आई सी अंडर नाइनटीस मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप है 2022 में खेला गया है इससे रिलेटेड मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा देता हूं तो क्वेश्चन है हमारा हु हैज वन द आईसीसी अंडर नाइनटीन मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप 2022 टाइटल राइट आंसर इज ऑप्शन सी इंडिया इंडिया ने जीता है फ्रेंड्स आई अंडर नाइनटीन पुरुष ओडीआई विश्व कप दो का खिताब इंडिया Has so far won the men's under 19 cricket world cup title five times in the years 2000, 2008, 2012, 2018, and 2022. Now, our next question Where was the ICC under 19 men's ODI world cup 2022 held? Right answer is option D West Indies. आई अंडर 19 पुरुष ओ विश्व कप दो हज़ार इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था वेस्ट इंडीज़ में हुआ था ये आपको याद रखना है और जो फी जो वुमेंस का हुआ है फ्रेंड्स वो कहाँ पे हुआ है वो साउथ अफ्रीका में हुआ है 2023 में और 2022 में जो मेंस ओ था आई अंडर 19 वाला वो वेस्ट इंडीज़ में हुआ था दोनों में आपने कन्फ्यूज़न नहीं होना दोनों में आप दोनों क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं Next question Which edition was held in ICC under 19 men's ODI World Cup 2022? Right answer is option C 14th. फ्रेंड्स जो आई सी सी अंडर नाइन्टीन पुरुष ओडिया विश्व कप दो हज़ार बाईस से ही चौदह संस्करण खेला गया है ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका जो पी डी एफ़ है ना आपको हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है रवि अदिति क्लासेस तो इसको आप जरूर ज्वाइन करिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको फ्री पी डी एफ़्स मिल जाती हैं साथ में है फ्रेंड्स अगर आपको फ्री नोट्स चाहिए तो उसका हमारा अलग से वेबसाइट है जिसका नाम है रवि अदिति क्लासेज डॉट कॉम आपको गूगल पर जाकर सर्च करना है रवि अदिति क्लासेस डॉट कॉम ठीक है फ्रेंड्स ना ओवर नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स ना मैं आपको आई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा देता हूँ क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जो क्रिकेट मैचेस होता है उसे आईसीसी ही रेगुलेट करता है तो मैं आपको आईसीसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा देता हूँ विच ऑर्गेनाइजेशन होश द आई अंडर नाइनटीन वुमेंस टी वर्ल्ड कप राइट आंसर इज ऑप्शन बी आई सी जो होता है फ्रेंड्स ये पूरे विश्व में फ्रेंड्स पूरे विश्व में अंडर वुमेंस टी वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज करता है आईसीसी का फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नाउ वो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन वाज द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल स्टेब्लिश्ड राइट आंसर इज ऑप्शन बी फिफ्टीन जून नाइनटीन जीरो नाइन वो नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल राइट आंसर इज ऑप्शन सी दुबई यू ए दुबई यू ए में फ्रेंड्स आई सी सी का है ये आपको याद रखना है Now our next question. Who is the who is the present president of International Cricket Council? Right answer is option B, Greg Barclay. Now our next question. हु इज़ द प्रेजेंट सी ईओ ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल दैट इज आई सी सी आई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आई सी सी के वर्तमान सी ई ओ कौन है राइट आंसर इज ऑप्शन ए जे ऑफ एल आर डिस जे ऑफ एल सी ओ हैं आई सी सी के ये या आपको याद रखना है फ्रेंड्स अब ना हम बी सी सी आई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि बी सी सी आई है जो पूरे वर्ल्ड में ना पूरे इंडिया में क्रिकेट को रेगुलेट करता है तो मैं आपको पहला क्वेश्चन करवा देता हूँ इससे रिलेटेड विच ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट्स क्रिकेट इन इंडिया राइट आंसर इज ऑप्शन ए बी सी सी आई बी सी सी आई स्टैंड फॉर बोर्ड ऑफ क्रिकेट इन इंडिया ना इज द्वार्टर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया मुंबई में फ्रेंड हेडक्वार्टर है बीसीसीआई का ये आपको याद रखना है ना ऑफर नेक्स्ट क्वेश्चन वेन वॉज द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया स्टैब्लिश यानी कि बीसीआई राइट आंसर इज ऑप्शन ए डिसम्बर नाइनटीन ट्वेंटी एट नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का इसके बाद दो क्वेश्चन का टेस्ट भी है आंसर आपने कॉमेंट बॉक्स में देना है हु इज दी प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ बी सी सी आई राइट आंसर इज ऑप्शन है रॉजर बिन्नी जो है बीसीसीआई के ये आपको याद रखना एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स अब इस वीडियो का बेस्ट पार्ट आ गया टू क्वेश्चन का टेस्ट आपने अपना आंसर कॉमेंट बॉक्स में जरूर देना है इससे फ्रेंड्स आपकी नॉलेज चेक हो जाएगी ठीक है तो पहला क्वेश्चन है हमारा हु हैजोन द फर्स्ट आईसीसी अंडर नाइनटीन वुमेंस टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री टाइटल फोर ऑप्शन है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन विच एडिशन हैज बीन हेल्ड इन द आई सी अंडर नाइनटीन वुमेंस टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री फोर ऑप्शन है आपके पास आंसर आपने कॉमेंट बॉक्स में देना है उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए कॉमेंट बॉक्स में फीडबैक भी जरूर दीजिए फ्रेंड्स जो हमारा चैनल है रवि रविदिति क्लासेस जहाँ पे फ्रेंड्स इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम का कॉन्टेंट दिया जाता है फ्रेंड्स जरूर सब्सक्राइब करिए और शेयर भी जरूर करिए फ्रेंड्स ठीक है पी डी एफ आपको हमारा टेलीग्राम रवि रविदिति क्लासेस पर मिल जाएगा फ्रेंड्स ठीक है ट्वेंटी फोर आवर्स के अंदर हम अपना पी डी एफ अपलोड कर देते हैं और फ्री में अगर आपको कंटेंट पढ़ना है तो हमारे वेबसाइट पे जरूर आइए फ्रेंड्स डब्ल्यू 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 डॉट रवि अदिति क्लासेस डॉट कॉम ठीक है फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पीडीएफ प्रिंट कराने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी रिटर्न नोट्स मिल जाते हैं हमारी हर वीडियो के रवि अदिति क्लासेस डॉट कॉम ठीक है फ्रेंड्स गूगल पे जाके आप सर्च करिए और आपको बताना चाहता हूँ आपको हमारे हर सब्जेक्ट की जो ई नोट्स हैं ठीक है फ्रेंड्स ई बुक्स हैं ठीक है वो आपको मिल वो अगर आपको बाय करनी है तो उसका हमारा अलग से वेबसाइट है डब्ल्यू 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 डॉट रवि बुक्स पी डी एफ डॉट कॉम आपको फ्रेंड्स क्या करना है गूगल पे जाके सर्च करना है ठीक है और यहाँ पे हमारे आपको हर सब्जेक्ट की बुक करंट अफेयर्स की और जीके की पॉलिटी की हिस्ट्री की जनरल साइंस की मिल जाएगी फ्रेंड्स ठीक है हमारी जो जीके की ई बुक है इंग्लिश मीडियम वाली और करेंट अफेयर फ्रेंड्स वो ट्रेंडिंग है सबसे बेस्ट ई बुक है फ्रेंड्स ठीक है हमारी जो ईयरली ई बुक है 2022 वाली वो भी लॉन्च हो चुकी है वो भी आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा www.ravibookspdf.com या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू एंड विश यू ऑल दी बेस्ट